यूपी सरकार का बड़ा ऐलान। 10 फरवरी से खुलेंगे 6 से 8 तक के स्कूल। 1 मार्च से खुलेंगे कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल। 11 महीने बाद स्कूलों में फिर दिखेगा पहले जैसा नजारा। कोरोना संक्रमण का असर कम होने के बाद देश भर में स्कूल खुलने का सिलसिला जारी है। इस बीच देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में भी कोरोना का असर कम होते देख प्रदेश में स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया गया है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में 10 फरवरी से कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल खोलने के निर्देश जारी किए हैं, जबकि 1 मार्च से प्रदेश में कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल खोले जाने का ऐलान किया गया है। 10 फरवरी से पहले जैसा नजारा। दरअसल कुछ दिन पहले सीएम ने केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार स्कूलों में कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई फिर से शुरू कराने पर विचार करने को कहा था। इसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने कक्षा 6 से 8 तक के स्कूलों को 15 फरवरी से खोलने का प्रस्ताव अपर मुख्य सचिव बेसिक रेणुका कुमार और बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के अनुमोदन के बाद सीएम योगी की अंतिम मंजूरी के लिए भेज दिया गया था, जबकि इसमें कक्षा 1 से 5 तक के स्कूलों को 1 मार्च से खोलने का भी प्रस्ताव था। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। स्कूलों का किया जा रहा है कायाकल्प। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से संचालित प्रदेश के 1.5 लाख से अधिक प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 1,83,00,000 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं। दावा किया जा रहा है कि 11 महीने बाद 1 मार्च को जब प्राथमिक विद्यालय के छात्र अपने स्कूल पहुंचेंगे तो उन्हें बहुत कुछ बदला हुआ नजर आएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कोरोना संक्रमण के दौरान प्रदेश के हजारों स्कूलों का कायाकल्प किया गया है। बताया गया है कि स्कूल में रंगई पुताई के साथ वॉल पेंटिंग, छात्रों के लिए मल्टीपल हैंड वॉश व शौचालय बनाए गए हैं। वहीं छात्रों से जुड़ी शिक्षण सामग्री स्कूलों में पहुंच चुकी है। इसके अलावा छात्रों को बेहतर शिक्षा देने के लिए स्कूलों में 1 से 2 कक्षाओं को स्मार्ट क्लास के रूप में डेवलप किया जा रहा है। अकेले लखनऊ के 1,642 स्कूलों से करीब 100 स्कूल में स्मार्ट क्लासेस संचालित होंगी। बीएसए लखनऊ दिनेश कुमार के मुताबिक छात्र जब स्कूल पहुंचेंगे तो उनको बहुत कुछ बदला हुआ दिखाई देगा। आपको बता दें कि लॉकडाउन के बाद पिछले साल अप्रैल महीने से स्कूल परिसर बच्चों के लिए बंद थे। हालांकि अब बदलते हालात को देखते हुए फिर से स्कूलों को बच्चों के लिए खोले जाने का निर्देश दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।